देखिए, जब आपका ब्रेकअप होने वाला है या हो चुका है, तो सबसे पहले तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों लोग मिल के एक बारे में डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करें और बात करें। आजकल अक्सर ये ट्रेंड देखा गया है कि लोग रिलेशनशिप को एकदम से तोड़ देते हैं और SMS पे तोड़ देते हैं या WhatsApp पे तोड़ देते हैं। ये बहुत हेल्दी ट्रेंड नहीं है, क्योंकि दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें एक बहुत अच्छी तरह क्लोजर होना ज़रूरी है, जिसमें दोनों लोग अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर कर सकें और फिर एक प्रॉपर वे में सेपरेट हो सकें। ऐसा करने से आपको बहुत सारी फीलिंग्स और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी आप बचे रह सकते हैं। दूसरी ये बात है कि जब आपका ब्रेकअप हो जाए, तब आपके मन में तरह तरह की अलग अलग फीलिंग्स आएंगी। कई बार आपको बहुत ज़्यादा दुख लगेगा, कई बार ही आपको जो रिलेशनशिप टूटा है उसकी बहुत अच्छी और जो प्लेजेंट मेमोरीज़ हैं वो आपको याद आएंगी। कई बार आपका मन करेगा कि किसी तरह से मैं उस इंसान के पास दोबारा चले जाऊं या रिलेशनशिप दोबारा से शुरू कर लूं। कई बार आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा, अपने आप पे आएगा, उस इंसान पे आएगा, या किसी और पे भी आ सकता है। पर ज़रूरी ये है कि आप ये सारी फीलिंग्स को महसूस करें, पर एट द सेम टाइम किसी भी फीलिंग के इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी स्टूपिड एक्शन ना लें, बट इन फीलिंग्स को महसूस करें और अपने आप को यही कहें कि मुझे इन फीलिंग्स से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि मेरी नॉर्मल फीलिंग्स हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कुछ दिन तक फीलिंग्स बहुत इंटेंस होंगी, पर थोड़े ही दिन बाद आप बहुत अच्छी तरह कोप करने लग जाएंगे। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने किसी तरह का भी लॉस एक्सपीरियंस किया है, तो अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में वहीं रुक जाते हैं या बाकी सब चीज़ें भी छोड़ देते हैं। ये चीज़ बहुत ही अनहेल्दी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व और चीज़ों में होंगे, जितने ऑल्टरनेटिव एंकर पॉइंट्स बनाएंगे अपनी लाइफ में और एरियाज़ पे ध्यान देंगे, आप उतनी ही अच्छी तरह और जल्दी कोप कर पाएंगे।